तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। आज तुम्हारे भाई को बुला रहे हैं हनुमान जी महाराज। ये हनुमान जी के जाएंगे अपन। क्या है ना, अपन सनातनी है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो फुल सपोर्ट है मेरा हिंदू भाइयों को। अब बस अपन चलेंगे वहाँ पे वीर हनुमान जी के। ये रही चाबी, बड़े पापा में जाएंगे। आपको दिखाऊंगा वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा मैं, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम की वीडियो शूट नहीं करूँगा क्योंकि फिर चलाने वाला मैं ही हूँ स्कूटी। तो फिर मिलते हैं अपन, वहीं मिलेंगे। तो जय श्री राम। तो गाइस गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर लिए। अब मैं ना ये रही गाड़ी अपनी, इससे ही चलेंगे स्कूटी से। अब मुंह के बांध लेता हूँ मैं, क्या ना फिर वो लगेगी, क्या बोलते हैं, धूप ऊप लगती है मुँह पे, फिर फुलसी हो जाएगी, इसलिए मैं तो ये बांध के चलूँगा। और हेलमेट तो मैं लगाऊँगा नहीं। तो अपन अब बस वहीं मिलेंगे अपन। मैं जा रहा हूँ, पापा जा रहे हैं, और बाकी मिलते हैं अपन वहीं पर। तो अपन यहाँ पे गाड़ी वाड़ी पार्किंग कर देते हैं, क्या है ना यहाँ पे उठा ले जाते हैं, ऐसे पार्क में नहीं खड़ी कर देते तो इसलिए पैसे लगते हैं। तो पार्किंग गाड़ी खड़ी करके अपन यहाँ से चलते हैं। देखो अपन ये देखो पब्लिक, देखो कितनी है, देखना अभी आप देखो कितनी सारी पब्लिक आ रही है जा रही है आज कुछ वो। तो गाड़ी जब बना लिए यहाँ पे वीर हनुमान जी के, आपको मैं दिखाता हूँ आगे से व्यू, देख सकते हो पीछे कितनी पब्लिक है। एयर ख़राब हो चुकी है यहाँ पे, माल ख़राब हो गया स्कूटी से आने में। अपन सीढ़ी से तो जा रहे हैं नहीं, ये देखो चारों तरफ पहाड़, पहाड़ से ऊपर रास्ता जाता है थोड़ा सा, अपन पहाड़ से पहाड़ पर चल रहे हैं। देखो कितनी ऊपर है वो, देखो मंदिर बहुत ऊपर है। तो अपन चलेंगे, आगे तक चलना पड़ेगा, क्या ना सीढ़ियों से पापा को थकान हो जाती है तो मेरे को इससे थकान हो जाती है। तो अपन चल रहे हैं, आपको व्यू दिखाता रहूँगा मैं आगे का, देखते रहना ऊपर से कैसा लगता है कैसा नहीं लगता। ये देखो पत्थर ही पत्थर पड़े, पब्लिक आ जा रही है, देखो कितनी पब्लिक आ जा रही है। देखो आप पहाड़ से बीच रास्ते में से कितनी पब्लिक जा रही है, सीढ़ी से कम ही जा। देखो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए ये सीढ़ी है यहाँ पे 1200 सीढ़ी है, लेकिन आज टाइम पे उतरेंगे यहाँ से। देखो आपको नीचे का व्यू देखो आप कैसा लगता है, धर्मशाला ही धर्मशाला है यहाँ पे, जिम नहीं ना उतरे थे। इधर देखो आप पार्किंग है, ये देखो सामने से कितना मस्त व्यू आ रहा, आप देख सकते हो। आपके लिए गया था तुम्हारा भाई आज, क्या मैं कुछ नई चीज़ दिखाते हैं। तो बस अपन छड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, अपन छड़ेंगे। तो गाइस हम चढ़ रहे हैं पत्थरों के ऊपर से, उधर तो सीढ़ी है पीछे की तरफ। फिर पापा ऐसे बोले यहाँ से चलो, तो अपन पत्थरों से चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। देखो पीछे का व्यू दिखा दूँ आपको, पीछे का व्यू देख सकते हो आप। तो गाइस क्या है ना, मेरी सांस वांस फूल जाते हैं, मैं थक जाता हूँ चढ़ते चढ़ते, मेरे कमर में दर्द हो जाता है पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा, मेरे सांस ऊपर नीचे होने लगी। फिर पानी भी नहीं था और ऊपर से धूप हो रहा रही थी, तो मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ फिर आपको ऊपर से व्यू दिखाऊंगा। पीछे का तो आप देख लिए, अब देखो आपको व्यू दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आगे, देखो कितनी क्या बन रही है यहाँ पे, दंग से व्यू देखना। तो गाइस ये व्यू देख सकते हो आप, उधर पार्किंग है, इधर धर्मशाला है, आप चारों तरफ के पहाड़ का व्यू ले सकते हो। तो गाइस तुम्हारा भाई थक चुका है, बस की बात नहीं हो रही। ये नीचे देखो कितने कितने से सब कुछ लग रहा है, तो चलते अपन आगे क्यों। तो अपन थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पानी वानी पी लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, देखो सामने पूरे गांव का व्यू देख सकते हो आप, कितना मस्त लग रहा है, कितनी ऊपर अपन, देखो आप फील करो। देखो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे बैठा बैठे यही कर रहा हूँ इतनी देर से। देखो आप ये बस ये मंदिर है, थोड़ा सा और चलना पड़ेगा अपन, थक चुके हैं अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दो बार बैठ के आया मैं। तो फिर से मेरी थकान हो जाती है, फिर से अपन बैठ जाते हैं यहाँ पे, क्या ना थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं। इधर लोग वाग बैठे तो मैं बैठ जाता हूँ, देखते देखते इनके। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो अपन कितनी ऊपर बैठे हैं जमीन पे, देखो कितनी ऊपर अपन, बहुत ज़्यादा ऊपर। यहाँ पे बैठने का समाधान किया है साइड में, देख सकते हो अभी अभी ये तो खेत वे थे, ये देखो सामने। तो राम राम जी, अपन आ लिए ऊपर कि हमारे पापा जी पिताश्री, हेलो कर दे बाबा एक बार हेलो। तो अपन ये देख सकते हो पीछे का, थक गया था तुम्हारा भाई, तीन चार जगह बैठ बैठ गया है, अब जा सुकून मिल जाएगा, अब जा सही हो जाओ बाबू, थोड़ा अब सही चले चलो।
जाते आते ऊपर, कमर में पेन हो गया था कुमार भाई का, अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा अंदर जाके वीर हनुमान जी के। फिर सामने पीछे का व्यू देख सकते हो आप इधर। अपन चलते हैं, बस दिखाता हूँ मैं आपको सामने का व्यू। अब देख सकते हो पहाड़ के ऊपर भी पहाड़ है, अब यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा अपने को, लेकिन क्या करें, अब तो थोड़ा सा कंट्रोल हो गया, दर्द वर्द कम हो गया। देख सकते हो, पता नहीं मंदिर बन रहा है क्या बन रहा है, आई डोंट नो, बस चलो देखो कितने मस्त लग रही पीछे। तो हाँ ले, पर तो पूछ गए, बस थोड़ा सा और आगे चलना है अपने को। नारियल को तोड़ रहे पिताजी चढ़ाने के लिए। तो गाइस तुम्हारा भाई पहुंच चुका है ऊपर, तो गाइस भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको भीड़। भीड़ देखो आप पीछे बहुत ज्यादा, तो गाइज अपन क्या है ना गलत रास्ते से आ जाते हैं, अब अपने को फिर से घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी बहुत टाइम हुआ था आए हुए, तो अपन सही ढंग से रास्ते से जाएंगे। और ये देखो पब्लिक कितनी है यहाँ, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे। अपन चलेंगे, आपको वीडियो बने रहे, आपको मैं दर्शन कराऊंगा हनुमान जी महाराज के, जो भी चीज़ मांगते हैं यहाँ पे मिल जाती है 101%, आप करते रहो दर्शन, दिखाता हूँ मैं आपको वीडियो बने रहे। तो गाइज आप दर्शन कर सकते हो हनुमान जी महाराज के, ये देखो वैसे वीडियो फोन अलाउ नहीं है, बट लेकिन तुम्हारे भाई बना के लेके आए कैसे जैसे चोरी छुपे, अभी पंडित ले लेते हैं फोन, उनको फिर देते भी नहीं है। तो देख सकते हो आप दर्शन कर सकते हो, तुम्हारे भाई ने दर्शन वर्शन कर लिए, अब तुम्हारे भाई का नंबर आएगा मत्था टेक के, तो चल जाएंगे। भाई जब हमने दर्शन कर लिया भाई के साथ, अपन अब घर जाएंगे भाई, घर जाएंगे बस, टाइम पूरा हो लिया अब, तो आज अपन अब घर चलेंगे बस, खाना वाना खा पी के। क्या ना यहाँ पे फोन वो ले लेते हैं, तो मैं इसे जितना हो सका मैंने आपको दर्शन करा दिए भगवान के। यहाँ पे सिर पे टीके लगा सकते हैं अपन, ये कांच भी लगे हुए यहाँ पे देखो, ये लगा रहे भाई चारों तरफ। और ये सोप देख सकते हो, अगर कोई प्रसाद नहीं लाया, भूख भूख लग रही है, तो अपन यहाँ से खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सुविधा है यहाँ पे हनुमान जी महाराज के मंदिर के पास में। टाइम क्या हो गया, 3:30 बज चुके हैं, अभी पहाड़ से गए थे, अब सीढ़ियों से आए, बहुत टाइम लग गया, सीढ़ियों से थोड़ा कम्फर्टेबल था, और वहाँ पे पहाड़ से तो पेन हो गया पूरी बॉडी के अंदर, कमर अमर में, तो बस अपन स्वामी आमनी इंजॉय करेंगे, दर्शन करा दिए मैंने आपको, बस खाना खा के गाड़ी उठा के बस घर चलेंगे आज के लिए, बस वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या बनता है क्या क्या नहीं। और अगर आप बाइक या गाड़ी लेके आते हो, ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे अपन गाड़ी वाड़ी लगाते हैं, सब चीज़ की सुविधा है यहाँ पे बैठने की सब कुछ सुविधा है। अपने को लग जाती है भूख, तो अपन खा लेते हैं, क्योंकि अब आज स्वामी थी ना, इसलिए तो अपन यहाँ पे खा लेते हैं, कड्डी दाल दो तरह के, वो तीन तरह के थे, पर लेकिन मैंने ही दिलाए।